मंजूर साहब, क्या ऐसे हालात हुए वहाँ पर? ऐसी क्या वजह हुई जो अपोजिट टीम ने उस तरह का जश्न मनाया? जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमें मैच चल रहा था मोनी सेकल में, ये हम खेल रहे थे तो हमने 185 का स्कोर किया था सर। और आपने अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया वहाँ पे? मैंने बोर क्रिकेट खेला है, मगर पेशेंस रखना चाहिए, ये क्रिकेट का रूल है। सही बात है, अगर मैं उसको पुश करता वहाँ वो क्रिकेट के खिलाफ हो जाए। ये भी शक नहीं था मेरे कोई कैमरा फोकस कर रहा है। एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है, कश्मीरी क्रिकेटर का वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है। कल से कश्मीर क्रमण के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। कल से अगर हम बात करें, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है, कश्मीरी क्रिकेटर का वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है, कल से क्या वजूहत हुई, किस तरह से वो वीडियो सामने आया? और मैं आपको बताता चलूँ, जो वो वीडियो है वो मंजूर अहमद का वीडियो है, जो लोग है वो मंजूर किंग के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे साथ फोन पे जुड़े। मंजूर साहब, खैर मकदम आपका कश्मीर क्राउन में? जी जी सर। मंजूर साहब, किस तरह वो वीडियो सामने आया, क्या ऐसे हालात हुए वहाँ पर, ऐसी क्या वजह हुई जो अपोजिट टीम ने उस तरह का जश्न मनाया? जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमें मैच चल रहा था मोनी सेकल में, ये हम खेल रहे थे तो हमने 185 का स्कोर किया था सर, मगर इतना मसला हो गया, मैच इतना क्लोज हो गया, इतना मजा आ गया, एक बल्लेबाज ने उसको नाम से जाने थे, उसको बोलते हैं बाबा, उसने हमें बहुत पिटाई की, मगर मसला हो गया, वो बीच में 10-12 रन कर रहे थे, वो आउट हो गया, मैंने थोड़ा एग्रेशन की उसको, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। जैसे विराट कोहली करता है किसी को, मैंने वैसी थोड़ा। आपके कहने का मतलब है पहले छेड़खानी आपने यहाँ से ही की है? मैंने थोड़ा किया, उतना नहीं किया, बाद जब 6-12 गेंद में 10 रन करने थे तो वो आउट हो गया, 12 रन रह गए, फिर ठीक, फिर उस बल्लेबाज ने कैच दिया, मैंने थोड़ा स्लेजिंग किया, फिर लास्ट में उन्होंने जब एक बल्लेबाज आ गया, उसने एक छक्का और चौका मारा, उन्होंने मैच विन किया। फिर पता नहीं उस इंसान को क्या हो गया, मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा था, नहीं इस इंसान को क्या हो गया, वो मुझे मेरे पास चल कर आ गया, मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको कम से कम 4 साल से हार रहे हैं ये मेरे साथ मैच। अच्छा ठीक, आज आप इन लोगों ने जीता, कोई बात नहीं, करने दो, क्या कर रहे हैं। स्पेक्टेटर्स जो ग्राउंड में मौजूद थे उस टाइम, वो भी ग्राउंड में आए थे, उन्होंने भी आपके सामने एग्रेशन दिखाई, उसकी क्या वजह थी? ताकि इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो हूं ना, मैं वहाँ बहुत अच्छा खेल रहा था, मैंने कम से कम 4 ट्रॉफी उधर विन की, उनको बर्दाश्त नहीं हो गया, मेरी हार उनको बर्दाश्त नहीं हो गया, वो ग्राउंड में घुस गए। और आपने अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया वहाँ पे? मैंने बहुत कंट्रोल किया, इससे पहले मुझे ये मागम नॉकआउट है ना, उससे उधर भी ये वाका हुआ था, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, मगर पेशेंस रखना चाहिए, ये क्रिकेट का रूल है। सही बात है, अगर मैं उसको कुछ करता वहाँ वो क्रिकेट के खिलाफ हो जाएगा। आपने वहाँ पे जेंटलमैन गेम दिखाई? वो मैंने जेंटलमैन दिखाई, मैं इसलिए बोला, मुझे ये भी शक नहीं था मेरे कोई कैमरा फोकस कर रहा है, ठीक, आप कोई दुश्मन होगा क्या होगा, मगर मेरा ये जो वीडियो है, मैंने अल्लाह ताला ने इज्जत। सही बात है, हर तरह से आपकी तारीफें होती है, बहुत सारे पेजेस ने उस वीडियो को अपलोड किया है। कोई वीडियो में अपलोड करता है, फिर चैट में कोई लिखता है, कोई दुश्मन लिखता है, इसने वैसा किया वैसा किया, मैंने वो नहीं किया, थोड़ा एग्रेशन दिखाया, ज्यादा नहीं किया ना। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जानबूझकर वो वीडियो नहीं है? ना जानबूझकर वीडियो नहीं है, किसी ने उठाया शॉट में, लास्ट में मुझे सेंड किया गया, ये आपका वीडियो है, मैंने उसमें थोड़ा अच्छा सा देखा, मैंने खुद अपलोड किया। बिहेवियर आपका बढ़िया रहा उसमें? मैंने अब खुद अपलोड किया था वो वीडियो, तो मैंने देखा इसमें थोड़ा बहुत कुछ नसीहत है। अच्छा, मैंने उसमें साउंड लगाया, मैंने उसका म्यूजिक लगाया, मैं फिर सो गया था, थोड़ा मुझे परेशानी थी, सुबह मैंने देखा था 20,000 व्यू हो गए, मगर जब मैंने फेसबुक खोला हर किसी को ये स्टेटस। सही बात है, उधर इसीलिए अब क्या बोलना है। क्या कुछ मैसेज रहेगी आगे आपकी क्रिकेटर्स का, क्या कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं यही कहता हूँ, मैं इतना और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा, क्रिकेट का रेस्पेक्ट कीजिए बस, जो इतना मजा है क्रिकेट में, सब ना ड्रग्स वाले दूर, सब ड्रग्स वाले, कम से कम जितना मैंने क्रिकेट खेला ना 2-3 साल से,
मैंने देखा कश्मीर, हमारे कश्मीर में ज्यादा क्रिकेट हो गया, फैन फॉलोइंग ज्यादा है, ठीक, इसीलिए रेस्पेक्ट किया करो, एग्रेशन किया करो, मगर इस तरह एग्रेशन मत किया करो। 3 महीने में 2 बार हुआ मुझे, मागा में भी हुआ, वो आप वीडियो भी चेक करोगे, उस टाइम मैंने भी ऐसे ही हंसा और चला गया, इधर भी हंसा और चला गया। यही जेंटलमैन की गेम होती है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा शायद। इंशाल्लाह ये इज्जत देनी थी। मंजूर भाई, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कश्मीर क्राउन के लिए। ओके ओके, अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ, तब तक आप अपने मेजबान यासीन गनाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। राकिब सर्स एक्सीलेंस परिपुरा श्रीनगर ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग फॉर CBSE 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9622888333।